पापड़खेड़ा थाने के तहत आने वाले पिपला डाक बंगला के तुलसी सोनी ज्वेलर्स में डकैती का प्रयास किया गया। घटना शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है। 3 अज्ञात आरोपी बाइक से आए और शटर बंद कर दिया। 2 आरोपियों के हाथ में पिस्तौल थी। सभी आरोपियों की उम्र 20 से 25 वर्ष की करीब थी। दुकान में दुकान मालिक राम मिलन सोनी और उनकी पत्नी सीमा बैठे थे, तभी 2 आरोपी दुकान के पास खड़े हो गए। 3रा आरोपी दुकान का शटर बंद करने लगा। खतरा भांपते हुए श्रीमती सीमा घर के अंदर भागी और पीछे जाकर चिल्लाने लगी। लोगों को इकट्ठा होते देख बदमाश भाग गए। आपको बता दें कि खापरखेड़ा थाने के तहत वलनी, सिल्लेवार, चंदकपुर, यह बेहद ही संवेदनशील इलाके हैं। इन जगहों पर अपराधियों का बोलबाला है, खुलेआम अनैतिक कारोबार चलते हैं। आए दिन इन जगहों से माउजर, पिस्टल, देशी कट्टे, घातक हथियार पुलिस बरामद करती रहती है। इन इलाकों में जहां अपराधी बेखौफ हैं, वहीं इन सब अपराधों में कहीं न कहीं पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है। तभी तो बदमाशों का पुलिस का लेस मात्र डर नहीं है। ऐसे में जिला पुलिस अधीक्षक को दखल देने की जरूरत है। खापरखेड़ा पुलिस के अलावा लोकल क्राइम ब्रांच आरोपियों की खोज में जुट गई है। 17 अगस्त 2021 को करीबन शाम के 7:20 बजे के समय 7:20 बजे के समय 20 से लेके 25 के उम्र के ग्रुप के 3 लड़के जैसे कट्टे के साथ में अपना तुलसी ज्वेलर थे, टुकड़ा डाक बंगला तुलसी ज्वेलर, वहाँ में वो उन्होंने एंट्री किए। एंट्री करने के बाद उन्होंने तुरंत अपना शटर अंदर से नीचा करने की कोशिश की। उसी टाइम दुकान में जो मालिक हाजिर थे या बाकी जो ये थे सर्वेंट, उनके ख्याल में आ गया कि ये होनो हो, ये रेगुलर कस्टमर नहीं है, ये कुछ वारदात को अंजाम देने के लिए आए हैं। और दुकान में जाने के बाद ही उन्होंने हाथ में कट्टे निकाले, कट्टे को देख के उनके समझ में आ गया। और वैसे ही उनका घर दुकान को लगती होने की वजह से और दीवार में दरवाजा होने की वजह से सीधा वो दरवाजे से घर के अंदर चले गए और दरवाजा अंदर से उन्होंने बंद कर दिया। और उसी टाइम दुकान में बैठा हुआ था अच्छा खासा जर्मन शेफर्ड डॉग, ये अच्छा है बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल 2.5 फीट की ऊंचाई तक, 2.5 फीट तक। उसने भुकना देखा चालू किया, वैसा उनके मन में डर पैदा हो गया और मालिक बोलो या मालिक के कुछ लड़के बोलो तो दुकान के सामने ही चले गए और आजूबाजू की पब्लिक का सहारा लेते हुए उन्होंने सामने से आवाज़ देना चालू किया। यानी उसी टाइम मैंने जर्मन शेफर्ड का दुकान के अंदर से भुकना और समझो दुकान के बाहर से लोगों की आवाज़ आ जाता, इसी वजह से उनको ऐसा लगा कि भाई कौन हो, पब्लिक ज़्यादा तादाद में इकट्ठा हो चुकी है, इसलिए उन्होंने अंदर से अपना शटर पूरा खोल दिया और एक के पीछे एक ऐसे दोनों तीनों लड़के बाहर आ गए और गाड़ी तो दुकान के सामने पार्क करके रखी थी, गाड़ी स्टार्ट करके वापस निकल गए सामने की तरफ। सर आप CCTV में दिखाई दे रहा है कि कुछ सामान निकालते हुए, कुछ रॉबरी की कुछ नहीं लेके गए सामान, और वहाँ पे काम भी होता है, रेगुलर ऑर्डर पे काम होता है वो, तो यह उन्होंने ऐसा ड्रावर वाल देखा लेकिन कुछ खुला मिला कुछ भी नहीं, आप पूरा देख लीजिए उसको। हम भी करीबन रात को 12-1 बजे तक वहाँ पे थे और रात को ही वो खरीदी की रिपोर्ट भी होगी, गुना भी दाखिल हो गए रात को। सर ये माना जाए कि डॉगी की वजह से भूखने की वजह से वो डॉगी की वजह से भी हुआ और दूसरी बात बोले तो दुकान मालिक की सतर्कता सबसे ज़्यादा उनका ये है कि ऐसा उनको नोटिस में आ गया है कि ठीक है ऐसा कोई कस्टमर हो ही नहीं सकता कि भाई दुकान में एंट्री करने के बाद अंदर से शटर डाउन करेगा, वो समझ में आया उनको, तुरंत समझ में आ गया। और उस दिन बारिश भी हो रही थी और दुकान में बाकी कस्टमर नहीं थे, दुकान पूरा खाली था, मालिक का सराउंड के अलावा दुकान में कोई नहीं था। आरोपियों का सुराग लगा सब अभी तो खुले तौर पर बोलना ठीक नहीं है लेकिन काम उसी दिशा में चलेगा, अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। नहीं अभी तक अरेस्ट नहीं। खापरखेड़ा से राजेश खंडारी की रिपोर्ट, विदर्भ स्टार न्यूज़।